नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं सेपरेटर्स के बारे में। और सेपरेटर्स हैं ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर में लगे रहते हैं, जो हमारे सब क्रिटिकल बॉयलर हैं उनके अंदर ड्रम लगा रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बॉयलर है और ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर है। हालांकि इसमें जो ये सेपरेटर दिखाया गया है, वाटर सेपरेटर, ये एक ड्रम के जैसे दिखाया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि ड्रम कैसे होता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ वाटर सेपरेटर लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में ऐसे ड्रम दिखता है, ठीक है। तो ड्रम एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है कि जो वाटर है उसको स्टीम से अलग करता है, ठीक है। यहाँ तक वाटर फिल्ड रहेगा और ऊपर है जो कि स्टीम फिल्ड रहेगी, ठीक है। अब ये ड्रम हम क्यों लगाते हैं बॉयलर पर? ये बॉयलर पर हम ड्रम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे बॉयलर के अंदर जितनी भी ट्यूब्स हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ सब क्रिटिकल बॉयलर्स के बारे में जहाँ पर ड्रम रहता है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स के अंदर हमारा सेपरेटर रहेगा। तो पहले मैं ड्रम बताना चाहता हूँ कि ड्रम का क्या मतलब है और सेपरेटर्स हम सुपर क्रिटिकल में क्यों लगाते हैं। तो ये ड्रम क्या इंश्योर कर रहा है कि अगर ड्रम हमारा सब क्रिटिकल यूनिट्स में जो ड्रम लगा है, वो ये इंश्योर कर रहा है कि बॉयलर के अंदर जितनी भी वाटर ट्यूब्स हैं, ये जितनी भी वाटर ट्यूब्स हैं इनके अंदर वाटर फील्ड है, मतलब कोई भी ट्यूब ड्राई नहीं है। अब ये इंश्योर करने के लिए मैं ट्यूब्स के अंदर तो देख नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेसल लगा दी और उस वेसल को इस बॉयलर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ से जो हीट गेन करके वाटर इसमें आएगा, वो अपने साथ में स्टीम भी लेके आएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टीम अलग होके फिर ये चली जाएगी सुपर हीटर में, ठीक है, और सुपर हीटर के बाद में एमएस बनके ये टरबाइन में चली जाएगी, ठीक है। और जो वाटर है वो अगेन फिर से वापस इस बॉयलर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये सब क्रिटिकल की बात कर रहा हूँ और ये सर्कल सब क्रिटिकल में चलता रहता है। लेकिन सुपर क्रिटिकल का कॉन्सेप्ट अलग है। सुपर क्रिटिकल का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे वहाँ पर ड्रम था जो वाटर और स्टीम को सेपरेट करने के लिए, यहाँ हमने सेपरेटर लगाया। और सेपरेटर क्यों लगाया, ड्रम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ड्रम एक बहुत बड़ी वेसल है और हमें जो सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स रहते हैं ये उस प्रेशर पे काम करते हैं जहाँ वाटर की डेंसिटी और स्टीम की डेंसिटी, रो ऑफ वाटर इक्वल टू रो ऑफ स्टीम। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका वाटर इन ट्यूब्स को कूल कर रहा था, कूल डाउन कर रहा था, कि जैसे मान लो ये कोई ट्यूब है, ठीक है, अब इस ट्यूब के इस साइड में है फ्लू गैस, फ्लू गैस मान लो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड की लगभग है। अब इस ट्यूब के अंदर अगर आपने वाटर यहाँ नहीं रखा तो क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो फ्लू गैसेज के कॉन्टेक्ट में जो मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा। अब इसके लिए इस जो यहाँ वाला जो मटेरियल है, इसकी कूलिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ वाटर फिल करके रख रहा हूँ, ठीक है। तो सुपर क्रिटिकल में क्या हो रहा है कि यहाँ वाटर की जगह स्टीम आ रही है और इस स्टीम की डेंसिटी है वो वाटर के बराबर है। तो अब ये जितने यहाँ पर वाटर कूल कर रहा था इस मेटल को, उतना ही ये स्टीम कूल कर रही है, या यहाँ से हीट गेन जितना वाटर कर रहा था उतना स्टीम भी अब यहाँ से हीट गेन कर रही है और इसको मेल्ट नहीं होने दे रहा, ठीक है। अब ये तो समझ गए हम कि हमारा वाटर की और जो स्टीम की डेंसिटी बराबर हो जाने के कारण यहाँ पर स्टीम ही कूल करने में सक्षम है। और ये डेंसिटी बराबर क्यों हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि 221 बार जो प्रेशर रहता है, इसके ऊपर जितना भी प्रेशर रहेगा उस पर वाटर और जो स्टीम है उसकी डेंसिटी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पर कि जो सेपरेटर है, इसकी ज़रूरत हमें इस प्रेशर से ऊपर अगर हमारा बॉयलर ऑपरेट कर रहा है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रेशर से नीचे अगर बॉयलर जो है वो वर्क कर रहा है, या जब हम लाइट अप कर रहे हैं, तो लाइट अप कर रहे हैं तो बॉयलर का प्रेशर कितना है, बॉयलर का कोई प्रेशर नहीं है लाइट अप के टाइम पे। यहाँ पर अंदर आप पहली गन लोगे या उसके बाद में पहली मिल लोगे, तब क्या है कि बॉयलर का आप जीरो से लेके प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते तो 221 बार तक लेके जाओगे,
तो यहाँ इस जोन में जब आप यहाँ पे 0 kg प्रेशर से 221 kg प्रेशर तक इस बॉयलर को लेके जाओगे, तब तक आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी बॉयलर की जितनी भी ट्यूब्स हैं ये ट्यूब्स वाटर से फिल्ड हो, ठीक है, फिल्ड विथ वाटर। क्यों? क्योंकि फिर आपका ये इंश्योर हो जाता है कि कोई भी ट्यूब है वो खाली नहीं है, कोई भी ट्यूब ड्राई नहीं है, और उस ट्यूब्स के अंदर वाटर है, जिसकी वजह से जो हमारा फ्लेम है या जो फ्ल्यू गैस है वो उस ट्यूब को मेल्ट नहीं कर रहा, ठीक है, या उस ट्यूब की कूलिंग हो रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि ड्रम एक बड़ा इक्विपमेंट है, ये नहीं लगा के हमने यहाँ पर सेपरेटर लगा दिया, ठीक है। तो ये कोई एक सुपर क्रिटिकल हमारा जो बॉयलर है वो कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो आपको ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये देख रहे हैं ये है सेपरेटर। यहाँ हमारे पास में दो सेपरेटर लगे रहते हैं जो कि जिनमें हमारे जो वाटर वाटर ट्यूब्स हैं उनके हेडर आके मिलते हैं, और इनके नीचे मिक्सिंग स्पेयर लगा रहता है जो कि दोनों सेपरेटर को नीचे मिला देता है, ठीक है। मिक्सिंग स्पेयर से नीचे हमारा जो बीआरपी है उसकी ये लाइन शुरू हो जाती है, जो बीआरपी सक्शन लेगा और उसके बाद में यहाँ इकोनोमाइजर में डालेगा, ठीक है। अब हम सिर्फ अभी सेपरेटर की बात कर रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि जब आप इसको लाइट अप कर रहे हो बॉयलर को, यहाँ फर्नेस के अंदर आप जैसे ही कोल या ऑयल, शुरू में ऑयल बाद में कोल पे आ जाओगे, तो ये जैसे ही जला रहे हो तो यहाँ जो वाटर वाल्स है उनका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, वाटर का अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, और तब आपको ये इंश्योर करना रहता है कि आपका बॉयलर की ट्यूब्स जितनी भी है, अब सुपर क्रिटिकल बॉयलर है वो सब क्रिटिकल से थोड़ा अलग रहता है, नीचे की जो ट्यूब्स रहेगी वो हमारी रहेगी जो हेलिकल टाइप में, ठीक है, और जो ऊपर की ट्यूब है ये वर्टिकल ट्यूब्स रहेगी। अब ये वर्टिकल ट्यूब्स का जो यहाँ पर हेडर बन रहा है, इस हेडर से ये वाटर जाएगा सेपरेटर में, ठीक है। तो अब ये सेपरेटर के अंदर अगर पानी है, ठीक है, तो ये इंश्योर होता है कि हमारी बॉयलर है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, बॉयलर की जितनी भी वाटर ट्यूब्स हैं उनके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो जब भी हम लाइट अप करेंगे, लाइट अप से लेकर जब तक आपका जो प्रेशर है वो सुपर क्रिटिकल जोन में नहीं आ जाता, तब तक हमें ये इंश्योर करके रखना है कि आपकी जो जो बॉयलर की वाटर ट्यूब्स है वो वाटर से फिल्ड रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सेपरेटर का लेवल मेंटेन करके रखेंगे, और जैसे ही हमारा सुपर क्रिटिकल जोन आ जाएगा, तब सुपर क्रिटिकल जोन में क्या होगा कि जो वाटर की डेंसिटी है वो स्टीम की डेंसिटी से बराबर हो जाएगी। अब वाटर और स्टीम में आप फर्क नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर जो इन ट्यूब्स की कूलिंग जो वाटर कर रहा था उतनी ही स्टीम कर देगी, तो अब हमें यहाँ पर कोई भी लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर जो बीआरपी है वो भी अभी हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम नहीं रखेंगे, ठीक है, इसको भी बंद कर देंगे। अब क्या होगा कि इसको बोलते हैं हमारा जो जितना भी फीड वाटर हम दे रहे हैं इकोनोमाइजर में, ये पूरी तरीके से यहाँ बॉटमलिंग हेडर में जाके फिर अगेन जो यहाँ पर हेलिकल जो ट्यूब्स हैं उनके बाद वर्टिकल, और फिर सेपरेटर के थ्रू सुपरेटर, ऐसे करके वंस थ्रू मोड में ये बॉयलर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये समझ गए कि सेपरेटर हमें सुपर क्रिटिकल बॉयलर में क्यों लगाते हैं, क्योंकि लाइट अप से लेकर जब हमारा सुपर क्रिटिकल जोन आएगा तब तक हमारे को ये इंश्योर करके रखना है कि जो बॉयलर की वाटर ट्यूब्स हैं उनके अंदर पानी होना चाहिए, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप 221 बार तक ही इसको लेके जाओ, बस आपको ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर ये वाटर ट्यूब्स हैं उनकी कूलिंग होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे टेम्परेचर के इंडिकेशंस लगे रहते हैं वाटर वाल्स के टेम्परेचर के, उन टेम्परेचर को आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारा जो यहाँ पर सेपरेटर के अंदर जो है वाटर लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया कि हम सेपरेटर के अंदर वाटर क्यों मेंटेन करते हैं और बाद में हम वाटर क्यों मेंटेन नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं सेपरेटर के ऑपरेशन के बारे में कि जो सेपरेटर है उसका लेवल कैसे कंट्रोल करेंगे, या जो सेपरेटर है
उसके अंदर हमें क्या क्या, इसके ऑपरेशन में क्या क्या परेशानियां आ सकती है, ठीक है, इसकी इमरजेंसी कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। तो ये जैसे कि हमारे पास में सेपरेटर, दो सेपरेटर हैं, और इन दो सेपरेटर्स के अंदर जैसे फ्रंट राइजर्स है, इधर रियर राइजर्स है, ठीक है। राइजर्स क्या है, जो बॉयलर की वर्टिकल ट्यूब्स हैं जिनमें से वाटर या स्टीम सेपरेटर में आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में साइड राइजर्स है, लेफ्ट साइड राइजर्स है, तो ऐसे करके ये दोनों सेपरेटर्स के अंदर यहाँ पे वाटर और स्टीम फील रहेगी, यहाँ ऊपर स्टीम रहेगी जो सुपर हीटर में चली जाएगी, और नीचे वाटर रहेगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पर सेपरेटर के अंदर वाटर लेवल मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और वाटर लेवल कैसे मेंटेन कर रहे हैं कि यहाँ पर सेपरेटर के नीचे एक मिक्सिंग स्पेयर लगा रहेगा, और उस मिक्सिंग स्पेयर से हम वापस जो, क्योंकि रिसर्कुलेशन मोड में रहेगा ये, जब तक कि हमारा सुपर क्रिटिकल मोड में नहीं आएगा, वंस थ्रू मोड में नहीं आएगा, तब तक रिसर्कुलेशन मोड में रहेगा, तो एक बीआरपी पंप लगा रहेगा। उस पंप के थ्रू हम क्या करेंगे, इसको अगेन इकोनोमाइजर में भेजेंगे, ठीक है। यहाँ जो वाटर है उसको हम क्या कर रहे हैं, अगेन इकोनोमाइजर में भेज रहे हैं। ये कैसे भेज रहे हैं, इसमें देखते हैं थोड़ा। तो ये हमारा है सेपरेटर, राइट और लेफ्ट सेपरेटर, यहाँ पे सेपरेटर्स लगे हैं। आप ये मान ले रहे हैं ये वर्टिकल वेसल होती है सेपरेटर, इनमें ज़्यादा कुछ डिज़ाइन कुछ नहीं रहता, एक वर्टिकल वेसल्स रहती है जो कुछ जो वाटर है उसको होल्ड कर सकती है, ठीक है। अब सेपरेटर का जो बॉटम पार्ट रहेगा, इसमें से जो दोनों सेपरेटर हैं, इन दोनों सेपरेटर से यहाँ से हम दो लाइनें लेंगे, एक लाइन तो लेंगे जो बीआरपी के इनलेट पर जा रही है। अब ये बीआरपी क्या होता है, ये बॉयलर रिसर्कुलेशन वाटर पंप होता है। इसका काम होता है कि जो हमारा बॉयलर है, जब तक कि वो सब क्रिटिकल मोड में है, तो उसको वाटर को रिसर्कुलेट करना है हमें, और तब तक ये सब क्रिटिकल बॉयलर की तरह काम करेगा। जैसा ड्रम में रिसर्कुलेशन होता है, वो नेचुरल होता है, या फोर्स रिसर्कुलेशन है, तो ये बीसीपी या बीआरपी पंप का काम रहेगा कि सेपरेटर से वाटर लेके फिर इकोनोमाइजर में देना, फिर इकोनोमाइजर से ये बॉटम रिंग हेडर, फिर बॉटम रिंग हेडर से फिर राइजर्स, और उसके बाद में ये आ जाती है वापस सेपरेटर में। तो ये वाटर क्या करेगा, रिसर्कुलेट करता रहेगा, ठीक है। अब हम इस सेपरेटर के लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। तो लेवल के कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, बीएफपी बॉयलर फीड पंप है, उससे वाटर देंगे आप, ठीक है। वाटर देंगे तो ये जो वाटर है, जो बीएफपी से जो वाटर आ रहा है, ये वाटर जाएगा आपका इकोनोमाइजर में, इकोनोमाइजर के बाद बॉटम रिंग हेडर, ठीक है। बॉटम रिंग हेडर के बाद में जो हमारी ट्यूब्स हैं, वाटर ट्यूब्स, बॉयलर वाटर ट्यूब के अंदर जाएगा, बॉयलर ट्यूब्स के अंदर जाएगा, और फिर उसके बाद में जाएगा सेपरेटर के अंदर। लेकिन जब तक आपका सब क्रिटिकल मोड है, तब तक क्या होगा कि आपने एक बार बॉयलर फिल कर दिया, अब बॉयलर फिल कर दिया, उसमें अब आप लाइट अप कर रहे हो, तो उसके अंदर इतनी स्टीम जनरेट नहीं हो रही है कि आप बीएफपी से वाटर उसके अंदर ज़्यादा दो। तो आपको क्या करना है कि जस्ट सिंपल इधर से सेपरेटर से वाटर लेना है, और बीआरपी के थ्रू इस लाइन में डाल देना है, और ये लाइन इसको रिसर्कुलेट करती रहेगी। लेकिन कुछ वक्त बाद जैसे जैसे स्टीम बनने लगेगी, आप जैसे जैसे फ्यूल बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ेगा, तो हमें यहाँ से फीड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, और फीड वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम बीएफपी से भी वाटर लेंगे, और साथ में बीआरपी का वाटर भी लेंगे इस लेवल को मेंटेन करने के लिए। अब ये लेवल अगर आपसे मेंटेन नहीं होता है, तो इसके लिए दो ड्रेन वाल्व लगाए गए हैं, इनको बोलते हैं सेपरेटर लेवल कंट्रोल वाल्व, ठीक है। ये जो सेपरेटर लेवल कंट्रोल वाल्व है, ये क्या करेंगे कि यहां पर ये ड्रेन का काम करेंगे, सेपरेटर को ड्रेन करने का काम करेंगे, दोनों दो वाल्व लगे हैं, और ये सेपरेटर का ड्रेन करने का काम करेंगे। तो अब जब आप इसका ऑपरेशन कर रहे हो, जब आप यहाँ पर कोई एक लेवल मेंटेन करके चल रहे हो, मान लो 4 मीटर यहाँ लेवल मेंटेन करके चल रहे हो सेपरेटर का,
तो यहाँ पर जो बीआरपी से जो पानी आ रहा है और जो बीएफपी से पानी आ रहा है, इन दोनों का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन है। दोनों दोनों एड होकर इस सेपरेटर के लेवल को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर हम वाटर देते हैं, जो बीसीडब्ल्यू पंप से और फीड वाटर पंप से, उस पर इकोनोमाइजर के इनलेट पर जो फ्लो है वो लगभग 600 TPH, लगभग बता रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है कि 650 हो या 550 हो या 580 हो, ठीक है। इससे कम अगर रहेगा, मैं 600 मान लेता हूँ, अगर इससे कम रहेगा, 600 टन पर आवर से कम रहेगा, तो ये हमारा बॉयलर ट्रिप हो जाएगा इको इनलेट फ्लो लो पे, ठीक है। इको इनलेट लो है मतलब हमारा 600 टन पर हावर से कम अगर वाटर आप इकोनोमाइजर इनलेट पे दोगे, तो हमारा जो इकोनोमाइजर है उसकी ट्यूब्स जलने का खतरा है, तो यहाँ पर बॉयलर है जो ट्रिप हो जाएगा। तो अब हमारा ये नेसेसरी हो गया कि आपका 600 टन पर हावर जो वाटर है वो तो आपको देना ही देना है इकोनोमाइजर के इनलेट पर, ठीक है। अब जब आप 600 टन पर हावर इकोनोमाइजर के इनलेट पर दे रहे हो, तो यहाँ पर जो सेपरेटर है वो कैसे मेंटेन होगा? यहाँ से तो आप वाटर दे रहे हो, तो ये सेपरेटर का लेवल बढ़ेगा, ठीक है। लेवल बढ़ेगा तो आपको कुछ इस हिसाब से मेंटेन करना है कि ये लेवल इस तरह से साइकिल बना ले, बीआरपी से वाटर लेके यहाँ 600 टन मेंटेन कर ले, ठीक है। लेकिन अगर किसी वजह से आपका जो लेवल बढ़ता बढ़ता यहाँ पे, मान लो इसका जो हमारे जो सेपरेटर लेवल कंट्रोल के वाल्व हैं, इनका अगर मान लो सपोज कि हमें 8 मीटर से 10 मीटर के बीच में हमने इसको ऑटो ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है, ये ऑटो पे ओपन हो जाएंगे। अगर 8 मीटर से ऊपर जाएगा और 10 मीटर चला गया तो ये फुल ओपन हो जाएंगे 100%। तो अब क्या होगा कि सेपरेटर के अंदर यहाँ पे जो वाटर था वो वाटर यहाँ से ड्रेन हो जाएगा, वो ड्रेन होके यहाँ फ्लैश टैंक में चला जाएगा। अब एक नई साइकिल बन जाएगी। नई साइकिल कैसे बन जाएगी कि यहाँ पर, क्योंकि जैसे यहाँ पर आपने ये देखा कि जो सेपरेटर है, यहां पर जो सेपरेटर है, ये दो सेपरेटर है हमारे पास में। अब ये दोनों सेपरेटर है, इनसे एक तो वाटर की लाइन जा रही थी जो बीआरपी के इनलेट पर जा रही थी, ठीक है। एक इनसे एक वाटर लाइन जा रही है जो कि ड्रेन के अंदर जा रही है, मतलब दो ड्रेन है, ये दो ड्रेन के वाल्व हैं जो ड्रेन में जा रही है। अब ये जो ड्रेन हो रहा है ये भी यहाँ से, जो सेपरेटर का बॉटम है यहाँ से ड्रेन हो रहा है, और जो बीसीपी के लिए या बीआरपी के लिए वाटर आ रहा है वो भी यहाँ से आ रहा है। तो जैसे ये ड्रेन वाल्व खुलेंगे यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी नहीं, ठीक है। मतलब ये अगर पहले 8 मीटर चला गया था, सपोज 8 मीटर पे ये, इसको मैंने कह दिया कि इनको मैं ओपन कर देता हूँ, जैसे मैंने ओपन किया तो ये खाली हो जाएगा। खाली क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ तो एटमोस्फियरिक प्रेशर है या फ्लैश टैंक का जो भी प्रेशर है, और यहाँ आपका बॉयलर का प्रेशर है सेपरेटर के ऊपर के पार्ट में, स्टीम का जो प्रेशर है, तो ये तुरंत इधर से जो वाटर है वो एस्केप करेगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर आपको वाटर नहीं मिलेगा या कम क्वांटिटी में मिलेगा बीसीडब्ल्यू पंप पर, ठीक है। तो अब बीसीडब्ल्यू पंप पर वाटर कम मिलेगा तो आपका इको इनलेट फ्लो वो 600 से कम जाने की कोशिश करेगा, 600 टन पर आवर से। तो आप क्या करोगे, बीएफपी से पानी दोगे। अब बीएफपी से पानी दोगे तो उसमें हमें क्या नुकसान है कि बीएफपी के पानी है उसका टेम्परेचर कम रहेगा, ठीक है, और साथ में आप बीएफपी से अब पानी 600 TPS देने लगे तो अब इसका जो कंट्रीब्यूशन था इसका नील हो जाएगा, बीसीपी का कंट्रीब्यूशन नील हो जाएगा, और पूरा का पूरा जो 600 टन है वो वाटर बीएफपी से आएगा। फिर ये एक नई साइकिल बना लेगा जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, और ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। इसमें आपका बॉयलर ट्रिप भी हो सकता है, और या अगर आप इस सिचुएशन में लगातार चलाते रहे तो जितनी एनर्जी आप उसमें फ्यूल को बर्न करने में लगा रहे हो वो पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ फ्लैश टैंक के थ्रू ड्रेन हो जा रही है। कैसे ड्रेन हो जा रही है? क्योंकि आपका बीसीडब्ल्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन था यहाँ से, जो बीसीडब्ल्यू यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था इसमें इको फ्लो के अंदर, अब वो नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ जो वाटर था ये वाटर यहाँ से एस्केप कर गया फ्लैश टैंक में। अब इसको वाटर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, नहीं मिल रहा तो हम क्या कर रहे हैं, बीएफपी से पानी दे रहे हैं इसको, और बीएफपी अगेन इसको भरता रहेगा, और इधर से जैसे ही इसका लेवल हाई जाएगा फिर ये खाली कर देगा।
तो अब आपको जब भी आप इसका सेपरेटर के लेवल को मेंटेन करो, अगर आप बॉयलर डेस्क पर बैठे हो और आप सेपरेटर के लेवल को मेंटेन कर रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना है कि हमेशा जो सेपरेटर है उनका लेवल लगभग 3 से 6 मीटर के आसपास मेंटेन करो, ताकि आपके ये जो वाल्व है ये ना खुले और जो साइकिल है वो ऐसे चले, ठीक है। और एक्स्ट्रा जितना भी वाटर चाहिए, जो कि हमारी स्टीम बन के सुपर हीटर्स में चलेगी, वेंट्स में चलेगी, या आपने बाईपास खोल रखे हैं तो बाईपास में चलेगी, तो एक्स्ट्रा जितनी भी स्टीम बन रही है उसके कंपनसेट में यहाँ से बीएफपी से आप वाटर लो। तो यहाँ जितना भी, अगर मान लो मैं सपोज करता हूँ कि मेरे अगर मान लो बाईपास के अंदर स्टीम चल रही है 300 TPH, ठीक है, तो यहाँ से आप 300 TPH वाटर लो, बाकी जितना भी वाटर है वो वाटर आप BCW से लोगे, जो कि लगभग 600 TPH होगा। यहाँ आपका इको इनलेट पे फ्लो आपको 900 से 1100 लगभग मेंटेन करना है, तो आप 300 TPH BFP से ले लो, बाकी आपका BRP या BCW पंप के थ्रू ये सेपरेटर से ही आ जाएगा। तो ये सिचुएशन है, ये बहुत क्रिटिकल है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपका पहला तो BFP का जो फ्लो है वो आपको उतना या स्लाइटली ज़्यादा रखना है जितना कि MS है। MS फ्लो से स्लाइटली ज़्यादा आपका BFP का फ्लो आपको रखना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये इंश्योर करना है कि ये वाल्व कम से कम ऑपरेट हो। हालांकि ये वाल्व ऑपरेट होंगे, ये बाईपास पे भी डिपेंड करेंगे, ये आपके कभी जो बाईपास के अंदर स्प्रे वाल्व अगर ज़्यादा खुल गया वाटर का, तो यहाँ BFP का पानी कम जाने लग जाएगा, तब भी ये डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्ब होगा, ये भी ओपन होंगे, ऐसा नहीं है कि ये ओपन नहीं होंगे, लेकिन आपको ये इंश्योर करना है कि ये कम से कम ओपन हो, ताकि आपकी जितनी एनर्जी आप बॉयलर के अंदर दे रहे हो वो एनर्जी आपके टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने में यूटिलाइज हो सके, ना कि एक ऐसा साइकिल बन जाए जिससे कि जितना आप फीड वाटर दे रहे हो यहाँ से BFP से, वो यहाँ इकोनोमाइजर होते हुए, जो बॉयलर होते हुए बॉयलर के अंदर से हीट लेके फिर सेपरेटर में आएगा, और सेपरेटर से यहाँ से ड्रेन हो जाएगा फ्लैश टैंक में, जो कि हमारा किसी भी काम का नहीं है। और ये साइकिल मैंने लगभग मेरे 7-8 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक ऐसी साइकिल बन जाती है, और उसके बाद में हमारे जो बॉयलर के वाटर वाल्व्स के जो टेम्परेचर हैं वो भी कंट्रोल में नहीं रहते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि बॉयलर ट्रिप हो जाता है। तो आप ये ज़रूर इंश्योर करें कि जो हमारा ये जो सेपरेटर है इसके अंदर हमेशा पानी रहे, ठीक है। और कितना पानी रहे ज़्यादा नहीं रखना है, आपको मार्जिन रखना है 3 से लगभग 6 मीटर तक का वाटर लेवल इसका मेंटेन करके चले। और इसका वाटर लेवल मेंटेन करने का एक ही तरीका है कि आप MS का जो फ्लो है उसको देख लें, और MS के फ्लो से BFP का जो फ्लो है वो स्लाइटली ज़्यादा रखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये ध्यान रहे कि यहाँ से आपका BCW के थ्रू वाटर ज़रूर आना चाहिए। अब BCW के थ्रू नहीं आएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी वाल्व बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, यहाँ BCW को इनलेट पे वाटर नहीं मिल रहा है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मेरे को बताएं। थैंक यू।